हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा मेरे घर का खाना में स्वागत करती हूँ। और आज मैं कटहल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कटहल के रेसे ले लिए। ये जो साग होता है ना, हम तो अपनी भाषा में साग बोलते हैं, आप अपने भाषा में क्या बोलते हैं मैं कमेंट करके बताइएगा। तो इसको मैंने कटहल से अलग कर लिया था, ये देखिए। और जो दाने वाले पार्ट होते हैं ना, वो उसको अलग कर लिया। और ये जो साग वाले पार्ट होते हैं, इसको अलग करके मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। और हाँ फ्रेंड्स, वॉश करने से पहले हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिएगा। इसमें बहुत सारे चिपचिपे से होते हैं, तो हाथ में आपके चिपकते रहेंगे। तो सरसों का तेल लगाने के बाद, ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से धुल लिया है। धुलने के बाद इसको छान लिया था। और अब इसको इस तरीके से, जैसे हम साग वगैरह काटते हैं ना, उस तरीके से इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होने वाली है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से सभी को काट लिए हैं। यहाँ पे मैंने तूर दाल और मूंग दाल को एक कप अच्छे से धुल लिया है और इसके साथ बनाऊंगी आज। बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होने वाला है। तो कुकर में लेंगे और दाल को डाल देंगे। और जितना आप दाल लेंगे, उसके तीन गुना पानी, एक कप दाल के लिए 3 कप पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दाल डाला था, अब 3 कप पानी डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे देगी लाल मिर्च पाउडर, साथ में स्वाद अनुसार नमक। स्वाद के साथ साथ सेहत के अनुसार, सेहत को भी ध्यान में रखते हुए नमक डालना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद, जो कटहल की ये साग वाली थी पार्ट था, इसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये देखिए, अब इसका ढक्कन लगा के हम इसको सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पे, 2 सीटी मीडियम टू लो आंच पे लगाएंगे। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सीटी लगा लिया था और देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा कलर आया है। और एक करछी की मदद से इसे मैश कर देंगे इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी, साथ में हेल्दी भी है। आप देख पा रहे होंगे, इस बेकार पार्ट को बहुत लोग हटा भी देते हैं। तो अगर आप दाल के साथ इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसको मैंने मैच कर लिया था थोड़ा थोड़ा। और इधर मैंने पैन चढ़ा दिया है, पैन गर्म हो चुका है। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है मैंने। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो 2 सूखी लाल मिर्च, साथ में 2 हरी मिर्च, इनको यहाँ पर डाल दिया है। तड़के में डाल रही हूँ जीरा, राई और धनिया। इनको डाल के अच्छे से चटका लेंगे। अच्छे से जब ये पक जाएगा, ये देखिए, तब यहाँ पे डालेंगे हींग। हींग हमने यहाँ पे डाला 1/2 छोटी चम्मच। और हींग भी अच्छे से पक जाएगा तो यहाँ पे डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर। जीरा और काली मिर्च को हमने इमाम दस्ते में कूट लिया था और कूटा हुआ डाला है। अब यहाँ पे दाल डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डालने से बहुत ही अच्छा होगा। मैंने यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे ही तड़के में डाल दिया है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मैश करेंगे थोड़ा सा। और तो मैश करने के लिए दाल घोटनी का ये जो आता है ना, इसे हम इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से घोट लेंगे, जिससे ये थोड़ा थोड़ा कढ़ेगा भी, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सभी लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है ये। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मत लिया था, घोट लिया था दाल को ईद वाले। और आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।